हाय फ्रेंड, मैं सेल तफाजुल हसन। आप देख रहे हैं मैं चैनल तफाजुल टेक वॉर्निंग। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं रिमिक्स ओएस वर्जन का 7.1.2 का, और ये रोम काफ़ी अच्छी है और काफ़ी फास्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जो है देखते हैं क्या क्या खासियतें हैं और किस तरीके से वर्क करती है, और काफ़ी फास्टली वर्क कर रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आप जिस तरीके से करना चाहते हैं इसका स्टाइल, और जो है कोई भी चीज़ आप खोलते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से खुलती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप गूगल खोलें चाहे जो चीज़ खोलें, आपको अच्छी तरीके से वर्क करते हुए नज़र आती है, सुपर फास्ट है। दोस्तों, आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। यहाँ सब सेटिंग करने के लिए, आप कस्टमाइजेशन करने के लिए काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चलिए सेटिंग में चलते हैं। दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे वाईफाई, बस ये है कि ब्लूटूथ जो है वर्क नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ब्लूटूथ ऑन तो हो जाएगा बट इसमें जो है शो नहीं करता है, तो ये एक कमी है, ये बग है, और बाकी जो है वाईफाई हर चीज़ वर्क कर रहा है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं काफ़ी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे मैं अपने मोबाइल को काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे क्लॉक की बात कर लें चाहे ब्रांड लोगों की बात कर लें। तो यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, राइट में चाहते हैं राइट में, सेंटर में चाहते हैं सेंटर में, तो जैसा आप जहाँ चाहते हैं वहाँ आप रख सकते हैं अपने जो है क्लॉक को। यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कस्टम लोगो कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से जो है काफ़ी अच्छे सेटिंग कर सकते हैं। सिस्टम आइकॉन कैसा हो यहाँ पे आपके ऊपर चॉइस है, यहाँ पे देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन टिकर है यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे अपना जो है स्टिकर लगा सकते हैं, टिकर देख सकते हैं, म्यूज़िक के साथ जो है अलग तरीके का होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं। और स्टेशन गेस्चर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डबल टैप। और यहाँ पे सिस्टम यूआई ओनर है, यहाँ पैनल में जाते हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आप टोस्ट का एक ऑप्शन है दोस्तों, लाइक यहाँ पे आप चलते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं हेडर है, हेडर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे हेडर जाते हैं तो दोस्तों हेडर जाने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर की ओर, यहाँ आप कस्टमाइजेशन यहाँ देख रहा है ऊपर की ओर, यहाँ पे आप हेडर जो है अपना चेंज कर सकते हैं, लाइक हेडर मुझे दूसरा चाहिए, लाइक मुझे इस तरीके का जो है चाहिए, तो देख सकते हैं ऊपर की ओर आपको हेडर जो है दूसरा चेंज नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही जो है काफ़ी वेदर का अलग तरीके का वेदर इमेज कैसी हो, तो यानी काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन मिल जाता है जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चाहे नोटिफिकेशन की बात करूँ, जैसा मैं चाहता हूँ यहाँ पर किल बटन ऑन कर दूँगा तो यहाँ जो है किल बटन हो जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो स्टॉक ग्रिड ओमेज जिस तरीके का आप चाहते हैं, रिसेंट टाइप का जो है आपको दिखता हुआ नज़र आए, लाइक आप रिसेंट जितनी भी एप्लीकेशन होती है उसे जो है किस तरीके से देखना चाहते हैं, लाइक ग्रिड की तरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, लाइक यहाँ देख सकते हैं ग्रिड टाइप का दिख रहा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपका रिसेंट कैसा दिखे और किस तरीके से आता हुआ नज़र आए। स्लिम में करता हूँ तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बगल में हमें जो है इस तरीके से रिसेंट मिल जाता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लिम व्यू सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं किस तरीके का, आपको मतलब बताते रहूँ तो दोस्तों काफ़ी वक्त जाएगा और काफ़ी तरीके से जो है आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विक एनिमेशन मिल जाता है, आप एनिमेशन जैसा चाहते हैं, रोटेशन या फिर फास्ट स्लो जैसा भी आप करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर एडवांस में जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वाइब्रेशन टच, वाईफाई इजी टॉगल, तो यानी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर गेस्चर मिल जाता है, यहाँ पर बटन का ऑप्शन, यानी काफ़ी अच्छे तरीके से नेगोशिएशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं नीचे का तो बंद कर सकते हैं, उसे कितना जो है एडजस्टमेंट करना चाहते हैं ये भी सब दिया हुआ है। एनिमेशन आप देख सकते हैं, यहाँ टोस्ट का है दोस्तों, जैसे आप स्लाइड करते हैं लेफ्ट टू राइट, फास्ट फॉरवर्ड, ये इस तरीके से देख सकते हैं, जब भी मैं कुछ करूँगा तो अलग तरीके का एनिमेशन नज़र आएगा। सिस्टम एनिमेशन कैसा चाहते हैं, पावर बटन पे, डिसेबल, यानी सारी चीज़ों पर आप दोस्तों कर सकते हैं, बैक पे, तो मतलब इतना अच्छे तरीके से दोस्तों इसमें दिया हुआ है कस्टमाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें दो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, ये रोम काफ़ी फास्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, चाहे जो चीज़ मैं चला रहा हूँ काफ़ी फास्टली वर्क कर रही है। जी एप्स मैंने अलग से डाउनलोड करके जो है इसमें इंस्टॉल किया है, तो ये सारे गूगल के ऐप मिल जाते हैं आपको, सिंपल तरीके से आपको रोम मिल जाएगी, दोनों की लिंक जो है नीचे है दोस्तों, आपको सिंपल से देख सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, सब कुछ काफ़ी फास्ट मिलेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। बट इसकी बैटरी जो है मुझे पसंद नहीं आई है, बैटरी जो है थोड़ा जल्दी जाती है और ब्लूटूथ वर्क नहीं करता है, और बाकी फर्स्ट क्लास है। मैं इसको 5 में से 4.5 जो है स्टार दूंगा और 5% काट दूंगा, क्योंकि दो चीज़ें मुझे कमी लगी है और बाकी सब जो है फास्ट काम कर रहा है, मस्त काम कर रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। रोम बहुत ही फास्ट है, मैंने अभी तक जितनी भी रोम इस्तेमाल की है उसमें मुझे ये काफ़ी पसंद आई है, चाहे जिस चीज़ की बात कर लूँ यहाँ पर हर चीज़ वर्क करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे आप गूगल ड्यू, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको जी एप्स डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो ही मिलेगी आपको, सिंपल सा जो है डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपको TWRP में चला जाना है, उसके बाद जो है आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आएगा, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है रोम को जो है आप कॉपी कर लीजिएगा, लाइक मेरा A6H+ है तो जो है यहाँ पर मैं
इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है, उसका दोस्तों सिंपल सा आपको बटन टिपना है, यहाँ पे होम बटन और वॉल्यूम अप बटन टिपना है, तो तीनों टिपे रहेंगे दोस्तों। तो इसके बाद आपका मोबाइल जैसे ही ऑन होता है, दोस्तों ऑन होगा, 5 सेकंड तक आपको टिप के रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिलीफ कर देना है यहाँ पे पावर बटन को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों TWRP में हम चले जाएंगे रिकवरी मोड में, और यहाँ सिंपल सा आपको इंस्टॉल पे जाना होगा। पहले तो आपको पहले वाइप करना होगा, सिंपल सा है, पहले वाइप कर लेंगे फॉर्मेट डाटा, यस करके यस लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ हो जाएगा एडवांस कैचे में जाएंगे, और जो है आप डेल्विक आर्ट कैचे, और यहाँ पर कैचे पर क्लिक करके जितना भी आप फॉर्मेट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ स्वाइप टू वाइप करेंगे तो आपका हो जाएगा, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इंस्टॉल जाएंगे दोस्तों, अगर आप X6S Plus इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दोस्तों अलग से लगाना पड़ता है एक्सटर्नल कार्ड। तो जो है दोस्तों यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा USB, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। उसका दोस्तों आप जो फाइल है रोम को उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप इंस्टॉल कर पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों सिंपल तरीके से आपका सारा चीज़ हो जाएगा और आपको इस तरीके से नज़र आएगा। लाइक आप देख सकते हैं इस तरीके से खुलता है, तो रिमिक्स इस तरीके से दिखता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों ये रोम वर्क कर रही है, मुझे कोई दिक्कत और नहीं आई है। बाकी सब रोम मैंने इस्तेमाल किया है उससे बेटर मुझे लगी है, चाहे कैमरे के परफॉर्मेंस ले लूँ, चाहे मोबाइल में जो है फास्टली वर्क करता है, और जो है बंद करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और बाकी जो है चाहे ब्लूटूथ की बात कर लूँ वर्क नहीं कर रहा है, चालू हो जाता है बट जो है कनेक्टेड नहीं होता, और जो है बैटरी जो है नहीं सही चल रही है। लाइक आप बैटरी देख सकते हैं 80% हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले कितनी थी। तो यहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास चलता है, चाहे जिस चीज़ की बात कर लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो है ट्राई करके देखिए, आपको शायद पसंद आए, आपके मोबाइल में काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करे। तो मुझे इसमें जो है ओरियो का जो है स्वाद मिल जाता है, और जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फास्टली वर्क करती है। अगर आपको रोम पसंद आती है आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस्तेमाल करने के बाद अब बताइएगा ये रोम कैसी थी, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ हेल्प होती है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताएगा वीडियो कैसी लगी। मिलता होगा अपना ख्याल रखिएगा। Bye.